मैंने बनाया है होममेड चिप्स। मेरे को 2 साल हो गया बाहर की चीज़ें अवॉइड करते हुए। कन्फ्यूजन तो हमेशा रहती है कि क्या घर में ही बनाएं, टाइम बचाएं, पैसा बचाएं, इन्वायरमेंट देखें, बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो उसके लिए मैं 2 ही काम मैंने चूज़ कर लिए हैं, वो मेरे पिछले चैनल पर भी मैं बताया करती थी। और अब मैं ये कह रही हूँ फाइनली कि होममेड चिप्स मैंने बनाए। और इसके अलावा जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो हम बाहर से हम जो खुले मिलते हैं ना उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब पैकेट वाली ना खाएं, ताकि पॉल्यूशन या फिर पॉलीथीन को हम कम बढ़ावा दें या लेस यूज़ करें। तो ये मैंने होममेड चिप्स बनाए हैं। इसके अलावा मैंने बनाए हैं, दिखाती हूँ, ये बनाए हैं मैंने नमक पारे आटे के, मैदे के नहीं बनाए हैं, आटे के बनाए हैं, ताकि बेबी भी खाए और हम भी खा सकें चाय के साथ। अगर मैं घर में नहीं बना पाती हूँ तो ये मटर बोले जाते, मतलब हलवाई वगैरह भी बनाते हैं खुले, उनसे ले लेते हैं, बट पैकेट वाली कोई चीज़ अवॉइड करती हूँ। और ये बनाए मैंने बेसन, ये भी मैंने जस्ट अभी बनाई है, मतलब मैंने ये 3 चीज़ें अभी जस्ट बनाई हैं। इसको सबको मैं पैक करके रख रही हूँ ताकि ख़राब ना हो, मतलब प्लास्टिक का मैंने लेस यूज़ करना शुरू कर दिया। यही तो शिक्षा एक्चुअली लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बट ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। अगर मैं इसके ऊपर मसाला डाल देती हूँ तो फिर और स्पाइसी हो जाएगा, लेकिन मैं मसाला भी अब अवॉइड कर रही हूँ बेबी के लिए। जब कभी बहुत मूड होगा ना बहुत ज़्यादा तो आई विल यूज़, बट इसमें जो सिर्फ नॉर्मल होममेड चिप्स हैं ये आलू के बने हुए। तो थैंक यू, बाय बाय।